हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये वाली स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम यूनिक यहाँ पर ये डिज़ाइन लग रही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पेपर लेना है। पेपर को हमें कुछ इस प्रकार से डॉल में फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बाजू की जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, आपको उससे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7.5 इंच की बाजू रखनी थी, तो मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें, जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कटिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से हमें बॉटम में निशान लगाना है, जो कि आपका बॉडी का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से लगा लेना है। और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से एकदम सिंपल तरीके से जो हम बाजू की कटिंग करते हैं, उसी प्रकार से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एकदम अच्छे प्रकार से इसकी मार्किंग कर ली है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं उसी तरह से। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है वो बाद में देखेंगे हम किस तरह से इसे बनेगी। तो पहले हमें यहाँ पर ये पेपर पे कटिंग करना है, उसके बाद हमें इसको कपड़े पे कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस प्रकार से ये कटिंग कर ली है। अब देखिए, हमें यहाँ से नीचे की साइड से समथिंग हमें 1.5 इंच का एक पट्टा अलग से कट कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद यह कि यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन आ गया, तो इन दोनों के बीच से हमें, और यहाँ पर ये इसका सेंटर है, दोनों का बीच सेंटर नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच आया है, तो यहाँ से हमें इसमें आधा इंच इस प्रकार से यहाँ पर एक्स्ट्रा साइड में निशान लगाना है। और ये दोनों निशानों को हमें कुछ इस प्रकार से इससे मिला देना है। इसको मिलाने के बाद में यहाँ से देखिए, हमें इसमें निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें इस निशान से समथिंग हमें 1.25 इंच पर ये निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे मिला देना है। दोस्तों, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से ऐसे हाथ से मिला सकते हो, या फिर आप इसको नाप के भी मिला सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें यहाँ से समथिंग हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और ऐसे करके हमें सभी पे 1.5 इंच पर ये निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो ये पहले वाली मार्किंग की थी वो गलत हो गई है, तो कुछ इस प्रकार से हमें नाप के यहाँ पर ये निशान लगा लेने हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारी ये जो ये वाली मार्किंग है ये गलत हो गई है, और ये जो हमने स्केल से मार्किंग की थी वो एकदम सही है। अब देखिए, यहाँ से हमें समथिंग 1/2 इंच का कुछ इस प्रकार से ऐसे राउंड में शेप लगा देना है, और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये नीचे का जो बेल्ट है उसको हमें साइड में निकाल देना है, और उसके बाद हमें यहाँ से इसकी कुछ इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं ना, तो उसी निशान के बराबर हमें इसमें ये कट लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पेपर को पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हमें बचा के रखना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको अच्छी तरह से कट लगा देना है। तो इसी से हमारा जो स्लीव में जो काउल बना है ना, वो बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमें कपड़ा लेना है। दोस्तों, यहाँ पर कपड़ा आपको डबल लेना है दोनों स्लीव कट करने के लिए। उसके बाद हमें इस जो हमने पैटर्न कट किया ना, पैटर्न को हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे रखना है। नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमें समथिंग हमें 1.5 इंच का इसके अंदर गैप छोड़ना है, और इसको हमें पिनअप कर लेना है। तो ऐसे हमें यहाँ पर सभी को नाप लेना है, यानी सभी के अंदर हमें 1.5 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ देना है, और सभी को हमें इस तरह से पिनअप करते जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दोनों स्लीव साथ में कट करना है, नहीं तो आपका जो ब्लाउज है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें इसके साइड में समथिंग हमें 1/2 इंच का मार्जिन के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है, और इस साइड में मैंने मार्जिन रखा था और इस साइड में मार्जिन रखा था, दोनों साइड में मार्जिन नहीं रखना है, और दो साइड में हमें मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसकी हमें एकदम बराबर में कटिंग कर लेना है, और दो साइड से मैंने यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया है, जो कि ये सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो ये हमारे जो डिज़ाइन है ना, उसमें हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसमें ये कट लगा लेना है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस पर भी ये कट लगाने हैं, दोनों पे आपको साथ में कट लगाने हैं कैंची से, ताकि दोनों स्लीव आपकी आसानी से बन सके। अब यहाँ पर पिन को हमें निकाल देना है और यहाँ पर मैं इसमें उल्टे सीधे का निशान लगा लेना। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों स्लीव पे ये निशान लगा लिया है और यहाँ पर मैं ये जो कपड़ा कट किया ना, तो उसी को भी हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मार्किंग करना है और यहाँ पर हमें इसकी भी कटिंग कर लेना है। इसमें भी हमें यहाँ पर दो साइड में मार्जिन छोड़ना है और दो साइड में यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर मैं मार्जिन छोड़ना है आधा इंच का, नीचे की साइड में मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसकी भी ये कटिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है, इसमें भी हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने जो नीचे का पट्टा कट किया है ना, तो यहाँ पर मैं ये लेस लगा लेना है। अगर आपके पास में लेस नहीं हो तो आप कपड़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमें इस कपड़े को कुछ इस प्रकार से ऐसे उल्टा रखना है, यानी जो हमने निशान लगाया ना वो नीचे की साइड में चला गया है। कपड़े को मैं इस तरह से ऐसे यानी सीधा रखना है, ये हमारा सीधा वाला पार्ट है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे, ये जो हमने कट लगाए ना, तो कट को मैं एक कट को दूसरे कट से कुछ इस प्रकार से ऐसे मिला लेना है और मिलाने के बाद में यहाँ पर हमें इसमें ये पिनअप कर लेना है। तो सभी को हमें इसी तरह से इसको पिनअप करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम आसानी से मैंने इसको इस तरह से ऐसे मिला देना है एक दूसरे को और अच्छी तरह से हमें इसको पिनअप कर लेना है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको यहाँ पर आगे भी ऐसे ही डिज़ाइनर स्लीव के वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितनी सुंदरता से इसको मैंने पिनअप कर दिया है और यहाँ पर देखिए ये हमारा जो स्लीव का काउल है वो कितना सुंदर यहाँ पर बन के निखरेगा। यहाँ से लास्ट में हम चाहो तो पिनअप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो एक बार हम इसको पिनअप कर लेते हैं, उसके बाद वापस देख लेते हैं कि ये कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से इसको पिनअप कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जो पिनअप किया है उस साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसमें सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमें इसकी यहाँ से ये जो हमने दूसरे साइड में भी ये जो कट लगाए ना, तो उसी कट पर हमें पहले तो इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक हमें एकदम चुनर डाल देना है। नहीं, इस साइड में हमने यहाँ पर ये मार्जिन नहीं छोड़ा था, तो बिल्कुल बारीक बारीक हमें चुनर डालना है, ज़्यादा मोटा नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमें जो ये काउल बनाए ना, तो काउल को इस तरह से ऐसे मिलाते जाना है और सभी को हमें इस तरह से ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक हमें चुनर डाल देना है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें चुनर डाल दिया है और यहाँ पर ये देखिए स्लीव का जो काउल है कितना सुंदर बना है। तो अब यहाँ से हमें जो पिनअप है उनको हमें निकाल देना है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो कपड़ा कट किया था साइड में, तो उसको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको ले लिया है, यहाँ पर हमें इसको इस तरह से आधा इंच का मार्जिन दबाना है और इसको हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा काउल बना है वो थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो इसको मैं जो हमने लास्ट में चुनर डाली थी तो इसको हमें वापस से खोल देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए इसको खोलने के बाद में एकदम अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में ये बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई और लगा लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो हमने ऊपर वाले ये चुनर डाली थी, तो इसको भी हमें यहाँ से खोल देना है, क्योंकि नीचे भी हमने चुनर खोल दिया तो ऊपर भी हमें इसको खोल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसके नीचे की साइड में ये पट्टा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर ले लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर ये लेस ले ली है। अगर आपके पास में लेस नहीं हो तो आप कपड़े से भी इसको बना सकते हो। तो देखिए मैं कुछ इस प्रकार से इसको बना रहा हूँ, उसी तरह से आपको इसको बना लेना है। इसकी चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखना है, जितना हमने पेपर कट किया था
उसी के बराबर में इसकी चौड़ाई रखना है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाली जो स्लीव डिज़ाइन है वो समथिंग आपको 7 से 8 इंच की लंबाई में ही बनाना है। अगर आप इसको ज़्यादा लंबाई में बनाओगे तो आपकी जो स्लीव है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ में नहीं बनेगी। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको बना लिया है और यहाँ से मैं आधा इंच का ये मार्जिन छोड़ देना है अस्तर में। तो अब हम इसको स्लीव पे लगाते हैं। स्लीव को हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे उल्टा रखना है और ये हमने जो पट्टा कट किया है तो इसको हमें इस तरह से ऐसे रखना है। तो इसको हम जैसे यहाँ कप लगाते हैं उसी तरह से इसको हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है वो भी इसके अंदर चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको यहाँ से लगा लेना है। दोस्तों आपको बिल्कुल बारीकी से सिलाई यानी कटिंग सीखना है तो आप मेरा दूसरा चैनल है बेसिक सिलाई A to Z, आप उसको विजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। देखिए यहाँ से मैं इसमें समथिंग आधा इंच का यहाँ पर ये मार्जिन लगा यानी ये शेप लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ से ये जो हमने काउल बनाया ना तो उसी के ऊपर हमें ये मोती लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मीडियम साइज़ के मोती लिए हैं तो इनको मैं कुछ इस प्रकार से लगा लेने हैं। जैसे कि लेस में यहाँ पर एक गोल्डन कलर है तो उसी तरह से हमें यहाँ पर ये गोल्डन मैंने ये मोती ले लिए हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर सभी में ये लगा लेने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये डिज़ाइन बन के रेडी हुई है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये जो मैंने डिज़ाइन सिखाई है आपको वो समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मुझे कमेंट कर देना। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर बन के ये रेडी हुआ है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।